भंडारा जिले के रेत घाट पर तुमसर पुलिस ने की कार्रवाई में 1,90,00,000 का माल जब्त किया गया है। पुलिस ने रात करीब 2 बजे के आसपास ये कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 2 पोकलैंड मशीन, 9 ट्रक समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया है। नागपुर में भंडारा जिले के रेत की डिमांड बड़े पैमाने पर होती है, जिसके चलते भंडारा जिले में रेत माफियाओं का रैकेट बड़ी तादाद में सक्रिय है। यहाँ ब्राह्मणी रेत घाट पर रेत निकालने की अनुमति नहीं होने के बावजूद रात के समय बड़े पैमाने में रेत निकाली जाती है। इन पर महसूल विभाग की पैनी नजर होती है, लेकिन भंडारा जिले का महसूल विभाग हाथ पे हाथ धरे बैठे होने के कारण तुमसर पुलिस को कल देर रात ब्राह्मणी रेत घाट पर जाकर कार्रवाई करनी पड़ी है। काल एक गोपनीय माहिती मिळाली होती की तुमसर पुलिस हद्दीतील वैनगंगा नदीचे जे पात्र आहे त्या ठिकाणी बामणी रेती घाटात अवैध रेतीचं उत्खनन सुरू आहे पोकलँडद्वारे। त्यानुसार आम्ही त्या ठिकाणी गेलो आणि पंचासांचा छापा मारला असता त्या ठिकाणी 2 पोकलँड मशीनद्वारे नदीपात्रातलं रेतीचं अवैध उत्खनन सूर्यास्तानंतर सुरू असल्याचं दिसून आलं होतं। त्या ठिकाणी जवळपास 200 ब्रास रेतीचं उत्खनन करण्यात आलेलं होतं आणि 9 टिप्पर, 1 ट्रॅक्टर आणि त्याचे बरेचसे लोक त्या ठिकाणी उपस्थित होते। त्या सर्वांना पंचनामा करून आम्ही 50 अंश सगळं साहित्य आणि ट्रक आणि पोकलँड मशीन जप्त केलेले आहेत। जवळपास 15 आरोपींना आम्ही या प्रकरणी अटक केलेली आहे आणि 1,89,46,000 रुपयाचा मुद्देमाल आतापर्यंत आम्ही हस्तगत केलेला आहे। त्या ठिकाणी 9 ट्रक, 2 पोकलँड्स आणि 15 आरोपी असे हे सगळं अवैध उत्खनन करून रेतीची चोरी करत असताना आढळून आलेले आहेत आणि सूर्यास्तानंतर बंदी असताना देखील हे कार्य त्यांचं अव्याहतपणे सुरू होतं। बीती रात को बड़े पैमाने में तस्करों की ओर से रेत निकाले जाने की खबर तुमसर पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने रात 2 बजे के आसपास कार्रवाई करते हुए 1,90,00,000 का माल इस कार्रवाई में जब्त किया है। भंडारा से अभिजीत घोरमारे की रिपोर्ट, जीडीपीएल न्यूज 24 के लिए।